जल्दी आओ आओ जल्दी जल्दी। अभी जरा ध्यान से सुनना, आज तुम लोग को अपना हॉकी स्टिक नहीं चाहिए। नो स्टिक्स? नहीं आज नहीं, आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन खेलने से लेके नहीं आने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक चलो। काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख लो। कैसा मजा के यहाँ इधर होने दादा, एक लोग ऐसे खाना बात करेगा या कुछ समझेगा भी? कभी नहीं समझेगा फिर तो इसे फर्स्ट सोचा, इसे मेरे को फर्स्ट पक्का सोचा होगा।
कितना बड़ा मार्केट अपना है स्टील वायर इंडस्ट्री का, किसी को आइडिया है? नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में तो आज हम ये देखेंगे कि अगर वायर इंडस्ट्री जितनी बड़ी है तो उसमें सिस्टमैटिक वायर का कितना शेयर, how much do we own on the market? आज कितने करोड़ की कंपनी हो, कितनी करोड़ की मार्केट होगी? 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, तो ये सब से कितने करोड़ की मार्केट है? स्टील वायर डायरेक्ट मार्केट है, कोई जाने तो बहुत साल लोग डिसाइड है, उसका आइडिया होगा? 10,000 करोड़ की कंपनी होगी। तो मतलब द आईडिया ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दैट वी वांट टू क्रिएट अ फ्यूचर टुगेदर, हम लोग साथ में कुछ क्रिएट करेंगे, मतलब हम लोग रूली इसको कर पाएंगे इन माय पर्सनल आईडी एंड द आईडिया ऑफ ये एक्सरसाइज मैंने अपने आप भी किया है, बबल ने भी किया है, पापा ने सब भी किए है, बट साथ में कराने का क्या आइडिया था कि आपको थोड़ा सा फील आए कि हम लोग किस पर बैठे हैं, मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो रहा है, और मतलब 3 साल से और एक तो चीज बहुत अच्छी हुई है कि ऑटो सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल, ठीक है, ऑटो सेक्टर में मेरे को लगता है कि पहले होता था कि 6 महीने डाउनफॉल, 8 महीने डाउनफॉल, बट 2021 से हम देख रहे हैं छोटे मोटे डाउनफॉल्स आर ओके, बट ऑटो इंडस्ट्री इज ऑन अ बूम राइट नाउ, और जिस तरीके से रोड इंफ्रा, कार, ऑटोमोटिव इंफ्रा, मेट्रोज आ रही है, जिस तरीके से आई डोंट थिंक ऑटो सेक्टर को शॉर्टेज है फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, तो मतलब CH2R इज द राइट प्लेस टू बी, मतलब CH2R If people are not talking at you, your goals are too small. As Azim Prerji कहता है, इसका मतलब क्या? Goals ज़्यादा होने चाहिए। हाँ। और इसका मतलब क्या? जब आप large goals create करोगे ना, तो लोग बोलेंगे ये पागल है। पागल बोलेंगे तभी आगे। मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने अच्छे goals create किए और लोग बोले हंसे नहीं हो उस पे कि बोल के ये पागल है। Next. तो ये करते हैं कि टीम विजन बनाते हैं, टीम विजन का फॉर्मेट क्या है मैं आपको बता देता हूं, तो हम लोग चालू करेंगे ऊपर से, सबका मनोभाव हम लोग नीचे से चालू करेंगे, बट हम लोग ऊपर से चालू करेंगे, ठीक है, ऊपर से चालू करेंगे टोटल टनेज, टोटल रेवेन्यू 70-80,000 जो भी करना है उसको मॉडल लगा करके गूगल ड्राइव में टोटल कर लीजिए, डेजिग्नेशन आपके पर्सनल गोल्स, मैं चाहता हूं कि 10 साल बाद भी यही लोग सब ग्रुप में रहे, राइट, एंड योर पर्सनल गोल्स हैव टू बी रिलेटेड टू द कंपनी गोल्स, बिकॉज़ अगर दोनों में कनेक्शन नहीं है देन वी विल नॉट बी एबल टू गिव कम कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, और कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी तो आपके पर्सनल गोल्स हम नहीं अचीव कर पाएंगे, ठीक है, द आईडिया इज कि हम ये जो भी कंपनी गोल्स अचीव कर रहे हैं एट द एंड ऑफ इट शुड ट्रांसलेट टू पर्सनल गोल्स, आपके पर्सनल गोल्स आपको से मिलने चाहिए, what designation, what roles you see yourself in the future, 10 साल बाद अगर कंपनी 10,000 टन कर रही है आप क्या रोल सोच रहे हो, मल्टीपल फैक्ट्रीज होंगी, मल्टीपल सेल्स की टीम अलग होगी,
सेल्स में लीड जनरेशन का ही पता चला कि डिविजन हो गया है, प्राइसिंग एक अलग से मैनेज कर रहा है, क्रेडिट एक अलग से कंट्रोल कर रहा है, पांचों फैक्ट्री का सप्लाई चेन एक अलग से देख रहा है, परचेज का रॉ मटेरियल को अलग हैंडल कर रहा है, कैपेक्स को अलग हैंडल कर रहा है। दस साल बाद जब अपने आप को विजुअलाइज करो तो ये सब चीजें देखो, एक फैक्ट्री नहीं दस फैक्ट्री होगी, पांच ऑफिस होंगे, तब आपको अपने रोल पे क्या आपको क्या लगता है आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि सारे फंक्शंस सुपर स्पेशलाइज हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ एंड व्हाट आर योर पर्सनल गोल्स, आपको अपने लिए क्या चाहिए, ठीक है, आपको कोई शेयरिंग करने के लिए नहीं बोलेगा ये, ठीक है, किसी को शेयर करना है एंड बी हैप्पी, बट नो यू कैन राइट व्हाटएवर यू वांट टू, दिस शीट इज फॉर यू, ठीक है, कोई शेयर करने के लिए नहीं बोलेगा आपको ये गोल्स, एंड once you've written it, you will try to arrive jointly at total target and total revenue. सबके opinions के साथ हम एक number पे arrive करेंगे, and then we will set as a goal for the market के picture आपको दिखा दिया हमने, दो numbers यहाँ पे लिखे हुए हैं, 9,100 crore and 12 lakh ton per month. This is the market size per month. पर 9,100 crore is per month रे? Yeah. मतलब अगर हम बिंदु डाल करते हैं इसको तो दैट इज 100 करोड़ के ऊपर 108 करोड़ के नहीं 1 लाख करोड़ सर 1 लाख करोड़ की रेवेन्यू हो पर एनम एंड अह 144 लाख टन पर एनम दैट इज द नंबर दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू तो वी टेक 10 मिनट्स एंड मतलब 10,000 मैट्रिक टन पर मंथ मींस 1.2 लाख ओके साउथ एशिया क्यों क्यों महाराष्ट्र में साउथ एशिया का क्यों वेस्टर्न रीजन का क्यों नहीं वेस्टर्न में है वेस्टर्न का राजा तो ऑलरेडी है दूसरे तरफ जाएंगे लैंग्वेज कैसे संभालेगा लैंग्वेज पहले कैसे संभालेगा लैंड क्रूजर लेना है सर रेंजर वन अगर ऑफसाइड एक की गाड़ी में आएगा तो उसका जो क्या कितनी गाड़ी में आना चाहिए अगर अगर ऑफसाइड एक की गाड़ी में ऑफिस आएगा तो सबॉर्डिनेट्स के लेवल पे वैसे सोचा मैं बट 1.2 लाख पहुंच जाएगा उसका बात ऐसा है कि मतलब 10 ईयर 8 इयर्स 6000 मैट्रिक टन्स तो 8 इयर्स टू 10 इयर्स का जो गैप है दो इयर्स में उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रहेंगे कि जो आपने वो 4000 मैट्रिक टन्स पर मंथ की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए रहेंगे उसमें मछली वगैरह जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आएगा बात ऐसा है 6 इयर्स का 4000 मैट्रिक टन्स पर ईयर 4 इयर्स का 2500 मैट्रिक टन्स पर मंथ है सर चार साल बाद
नीचे से बताओ इस बारे ठीक है गुड गुड और किसी को शेयर करना है डिस्कशन को भी लोग सर और एक जन और एक दो जन चाहिए शेयर करने के लिए नंबर तुषार के तू बोलो ना पूरा तुम्हारे लिए कुछ छोटा हम करेंगे आओ तू करंट ईयर में सर 1300 तक का हमारा नहीं अभी एवरेज चल रहा है ठीक है ना दो साल में हम 26 मतलब 2600 टन अचीव करेंगे अच्छा ठीक है 2600 7800
चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इसलिए लिखा है मैंने, बहुत अच्छा लगा, बोलो दस साल में 1,20,000 था, 90,000, 4 साल में 50,000, 2 साल 2 ईयर में 36,000, 3 हजार, और उस टाइम में अपने अपना 5-6 व्यक्ति रहेगी, उस टाइम ग्रुप अपना सिस्कोर वाले ग्रुप बन जाएगा, उसका हेड बनना चाहता हूँ।2 years के लगभग 9,600,
मेरा करंट एजुकेशन है क्वालिटी मैनेजर सीनियर क्वालिटी मैनेजर 12 साल के बाद में एक बार की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और 10 ईयर के बाद में एक प्लांट का हेड बन जाऊँ और पर्सनल इसमें एक रो हाउस लेना चाहता हूँ और टीचर के लिए भी काम लेना चाहता हूँ After 4 years, quality manager बनना चाहता हूँ. After 6 years, general manager. And after the 8 years, plant head. Very good. What personal goals? Personal. Very good. Very good. सर आप दो मेरे एक ही बात है नहीं सर हमने बड़ी जल्दी चार समा दिया सही बात अभी एक्सपेंस सर शरण भी पुराने खिलाड़ियों में से हैं पता है कि सफर बचपन के साथ ही है जब हमने कभी खोली कुछ साल था बाद में छोड़ के चला गया वापस आ गया आया नहीं बुलाया अभी ड्यूटी पे आपके कॉल में इतनी नॉमिनेशन 3 लोगों का है तो पहला नंबर है ओंकार पवार वेरी गुड ओंकार क्यों क्यों दिया मंगल का ऑडिट वेरी गुड वेरी गुड बहुत ट्रिकी सिचुएशन था आगे वाला तो जोर से बजाइए प्लीज दीपक सरकार दीपक सरकार भी नहीं और इनके साथ में मिस्टर दीपक दीपक भी आइए अच्छा मंगल का ऑडिट क्वालिटी में ब्यूटीफुली हैंडल किया ये देख नतिक आ जाओ पूरी टीम आ जाओ ठीक है जितना दे रहे हैं बहुत अच्छा इन्होंने मिलके पूरा क्वालिटी डिपार्टमेंट ने टैकल किया दीपक जी तो आते ही बहुत बड़ा हर्डल देख लिया पहले बंदे स्ट्रोक पे ही सिक्स मार दिया अच्छे से हैंडल किया 5-7 दिन का रिग्रेस हो गया और इधर ले लो ये साइड पर बैठा और कमिटमेंट के साथ रेगुलर टाइम रात दिन देखना रात देखा ड्यूटी बियॉन्ड मतलब अच्छे से किया वेरी गुड वेरी गुड Thank you.
अभी ऑलमोस्ट हम साइड बाकी हैं। हमने अभी क्या किया, अभी हमने अपने गोल्स एक मोटा मोटी सेट कर लिया, अपने अपने पर्सनल गोल्स लिखे हैं, दो तीन स्टेप्स और हम वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भी ब्रेक फॉर लंच। क्या आपने सोचा आप लोग पूरा दिन कहाँ पे स्पेंड करते हैं? दिन में 24 घंटे हैं तो मैक्सिमम टाइम कहाँ पे आप लोग स्पेंड करते हैं? ऑफिस में। कैसे भाई डिजाइन कैसे है, मतलब ऐसे कैसे हो गया? सोते हैं ना मैक्सिमम टाइम तो 8 घंटा क्यों? तो जिंदगी के अगर हाल देखे जाए तो मैक्सिमम टाइम आपके मेरे हिसाब से सोने में डालता है, ठीक है, सोना और टर्निंग टू स्लीप मैक्सिमम। If you अपनी जिंदगी के साथ आप देखोगे तो उसके बाद सबसे बड़ा सेक्शन है टाइम एंड वर्क। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रीजंस ऑफ टाइम एंड वर्क। तो बेसिकली अगर हम लोग 8 घंटे हटा देते हैं उसके बाद जो टाइम बचता है तो मेरे को लगता है करीबन 3 से 4 घंटे अपने हाथ में आते हैं जो अपन घर पे स्पेंड करते हैं, उसके बाद में एवरीथिंग इज अराउंड वर्क। तो आप समझोगे तो 40% मतलब करीबन 8-9 hours और स्पेंड करो आपको हाथ में कुछ 2-3 घंटे ही आते हैं जिसमें आप बाकी चीज़ें कर रहे हैं, बाकी चीज़ें यूज कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ से डिटरमाइन हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ से क्या आप डिटरमाइन करेंगे? मतलब ये कब बोलोगे कि यार मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है? नहीं मतलब अभी तो प्रेजेंट की बात करो, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे डिटरमाइन करोगे? बेस्ट एग्जांपल एलेक्स, हां, बाला गांधी जी। तो कल्चर
मैं सेट होना बहुत बहुत क्रिटिकल है और कल्चर हमारे हाथ में है, बहुत बड़ा कल्चर है। हमने लास्ट ईयर एक एक्सरसाइज की थी कल्चर चार्टर वगैरह मैंने बनाया था, हमने रोल आउट भी किया, बट आई डोंट थिंक उसमें से बहुत ऐसा कुछ फ्रूटफुल निकल के आया है। क्या व्हाट इज योर फीडबैक? रिप्लाई तो वैसे किसी का आता नहीं है, बट एवरी डे आई एम सेंडिंग रिमाइंडर टू रिमाइंडर एवरी वन। अच्छा, सबको भेजता हूं। कोई पढ़ता है क्या? पढ़ते हैं लोग। कोई चित्र बिठी है? अच्छा चलो, कुछ फर्क है, चलो गुड गुड, मैं बिलीव कर रहा हूँ, चलो कुछ फर्क है। बट अबाउट अदर कल्चर, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि we have to decide what culture we want and we will jointly do it today, okay? And the idea is that हम पहले ये देखें हमारे current culture को evaluate करें and then based on that we come up with one statement which will become the culture motto for our company. ठीक है? What is the culture that exists now? So I will take notes और आप लोग बताओगे कि क्या what do you like or what do you don't like about the culture as the WPI. See, culture ही ऐसी लोग हैं जो आपके कांड के beyond meaning transfer करें। If मैं कोई बोलूँ you feel like you are sitting in a jail, आपके काम की कोई value नहीं है, आपके output का कुछ नहीं, कुछ नहीं है। Share कर रहे हैं अपने thoughts culture के बारे में। क्या अच्छा लगता है यहाँ पे लोगों के साथ काम करने पे, या क्या ऐसी रेगुलर चीजें जो हमारी कंपनी के लिए दूसरी कंपनी में नहीं मिलती है? बोलो। हाँ, और कोई friendly. कुछ भी होता है, ये नहीं है, वो नहीं है, they work it on, is solve it. ठीक, ये मेन चीज़ है कल्चर। ठीक, ओके। और ठीक है, ओके, let's create a culture statement. तो based on this, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक culture statement तैयार करें, which we will use as a follow guideline. ठीक है, word and I hope that one thing we will stick around with everybody and we follow it. Smart work, as the blue pill का short form. Smart work, work together, progress in life. ठीक है, idea number one. Idea number two, smart skills, wise work, plan tactfully and leadership. ठीक है, this is idea number two. Idea number three, work together, help together, grow together. Idea number three. Idea number four, join our dynamic culture of innovation, appreciation and teamwork in Cisco. This is idea number four. Fifth or sixth व्यवस्था दे दी है, एक तो PACT, PACT, proactiveness, accountability, clarity and teamwork. ठीक है, और दूसरा idea team, teamwork, encouragement and appreciation, accountability and method of working. Total 6 ideas. अभी क्या करें? Should we call for votes? We call for votes. Best. तो कैसे अभी? Idea number one, smart work, work together, progress in life. कितने लोग इसके लिए आए? SWPL का full form. Yes. कितने लोग इसके लिए? Idea number one. अच्छा team.
टीम का फुल फॉर्म टीम वर्क एनकरेजमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड मेथड मेथड ऑफ वर्क टीम के लिए कितने लोग कितने लोग प्रोएक्टिवनेस का मतलब है हमको अपने कल्चर से फॉलो करना जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फॉलो करने क्लैरिटी मतलब क्लैरिटी का मतलब सबको पता है काम में क्लैरिटी अपने को चाहिए ठीक है वो जब तक नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे एक क्वेश्चन है इफ अभी हम लोग सब बैठे हैं मैं चाहता हूं सब लोग साल की जर्नी पे चले बट इफ कम इफ सम पीपल डोंट परफॉर्म शुड कंपनी गिव अप इट्स गोल्स नो 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 नेक्स्ट है पक्का बोल रहा पक्का हां हां तो मतलब मेरा मानना ये है कि यू ऑल हैव टू डिसाइड हु विल बी द टॉप मैनेजमेंट फ्यूचर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ठीक है एंड नियुक्ति व्हेनेवर अ न्यू हायर कम्स इन ठीक है कोई नया आदमी आएगा हमारी कोशिश है कि वो आपके अंदर है बट इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग टुवर्ड्स द गोल ऑफ द कंपनी एटीट्यूड इज नॉट राइट ही विल कम ऑन टॉप ऑफ यू और वो मैं रोक नहीं पाऊंगा हम लोग रोक नहीं सकते इस चीज को बिकॉज सबका मोमेंटम 10 लोगों की एनर्जी सब टॉप मैनेजमेंट की एनर्जी इज ऑल टुवर्ड्स द कंपनी गोल्स और ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसमें कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी आपको ट्रेनिंग करने में अपग्रेड करने में बाहर भी भेजना पड़ेगा वेरी मच विलिंग कि एग्जिस्टिंग लोग जाके बाहर जाके ट्रेनिंग ले वी आर विलिंग टू स्पेंड वी आर विलिंग टू सेंड पीपल आउटसाइड दूसरी कंपनी पे भेजना वो भी करेगी कंपनी बट यू नो आई वांट दैट कमिटमेंट कि हम ही रहेंगे इस टॉप मैनेजमेंट में और हम ऐसे ही दूसरे लोगों को आगे नहीं देंगे बिकॉज ऑब्वियसली वी लाइक कि होगी तो हर तो पीपल पर अच्छा काम बट यू विल मेक फुल एफर्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ओके नेक्स्ट डू वी वांट अ न्यू फ्यूचर एक लास्ट एक्सरसाइज कर रही है इस कंपनी को एक सर्वल पर जाने के लिए और क्या चाहिए हमने हमने कल्चर डिसाइड कर लिया बट क्या क्या चीजों की कमी है कंपनी में हाँ हाईएस्ट मेन पावर पर क्या अवार्ड मिल चुका है हमको हाँ तो मैन पावर ठीक है मेरे को लगता है मैन पावर में ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशन आगे कम होने चाहिए बट जैसा चल रहा है ठीक है वी कर इन द जर्नी हम लोग करो करते हैं उसको मैन पावर लेते तो सही करना और क्या चीजों की कमी है क्या क्या गोल अचीव करने के लिए क्या चाहिए एप्रिसिएशन नहीं होता सर अपने यहां और तुमने तो थोड़ी देर पहले बोला एप्रिसिएशन होता है नहीं होता हां
अभी तो कल्चर में अप्रिशिएशन अभी मिट गया अभी मिट रहा है मैंने अभी मैंने सबको अवार्ड दिया कम कम है मतलब अप्रिशिएशन कम है ओके कम है ओके अप्रिशिएशन ये लोग मेरे साथ ही यूज हो रहा है बोलो बोलो अप्रिशिएट में पॉलिटिक्स है राजनीति है कंपनी में पॉलिटिक्स है कंपनी में पॉलिटिक्स नहीं है ए किसी को लगता है बहुत प्रेशर इसमें जो फीलिंग है मैंने सोचा है कि उसको ऐसा लगा होगा कि नहीं यहां पॉलिटिक्स हो रहा है तो बोले गाइस आपको बोलते हैं क्या चाहिए अपने गोल्स पहुंचने के लिए क्या चाहिए पॉलिटिक्स नहीं नहीं है पॉलिटिक्स नहीं मेरे को नहीं लगता है छोटा सा ना प्रैक्टिकल है मतलब और क्या चीजों की कमी है कंपनी में क्वालिटी ऑफ वर्क मतलब अच्छा क्वालिटी का वर्क है एज इन व्हाट प्रोफाइल वाइज या फिर एनवायरनमेंट वाइज नहीं नहीं क्वालिटी है उसका कहने का मतलब है कि एक काम को अगर रिपीट हो रहा है तो दैट मींस नॉट अ क्वालिटी एक बार जो काम किया परफेक्ट और अच्छा हो दैट ओके क्वालिटी ऑफ वर्क पुअर है हमारा थोड़ा सा पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क राइट ठीक है इसने बोला जुगाड़ जुगाड़ नहीं होना चाहिए जुगाड़ क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं ना उसका लाइफ ज्यादा से सोचो जैसे कि कुछ वर्क कर रहा हूं ना तो उसका 3 साल कैसे चलेगा 5 साल से क्योंकि हम कंपनी का गोल सेट करें आप हम सोच रहे एवरी वन की चल रहे अभी सिर्फ चलाना है उसको ये हमारा थिंकिंग नहीं वहां हमें उसको लाइफ सस्टेनेबल रहना चाहिए जैसे हम गोल से सस्टेनेबिलिटी कैसे आए लॉन्ग टर्म थिंकिंग सस्टेनेबिलिटी कैसे आए अच्छा मटेरियल यूज करें ये अच्छा क्वालिटी मटेरियल यूज करें तो लॉन्ग टर्म चलेगा अच्छा तो इशू क्या है इशू क्वालिटी है या एप्लीकेशन है या कोई और कुछ और है इशू ब्रांड है सर पाली में ब्रांड बेस नाम पे बिजनेस के इशू है ओनली प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो पार्ट है पार्टिसिपेट कर रही है मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है एक इंजीनियर का आता है एक बिकॉन का तो कंटीन्यूअसली फेलियर चल रहा है तो जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होना चाहिए टाइम हम लोग कंटीन्यूअसली यूज कर रहे हैं फर्नेसेस तो उसकी वजह से उनका क्वालिटी ऑफ पार्ट्स डिटोरिएट हो जी उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा बिजनेस के पार्ट्स का पीएम टाइम भी करना तो ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए तो मेंटेनेंस होता है बेसिकली किसमें आएगा फिर ये बेसिकली उस पीएम जो पीएम आएगा किसमें आएगा बोल रहे कि पीएम करने तो पीएम क्या कह सकता है कि जब कोई स्पेयर पार्ट इज नॉट अवेलेबल देन वी कैन नॉट रूट तो उसमें ऐसा नहीं चले तो हर एक किसी को एक कैपेक्स फिक्स करना चाहिए जैसे प्रिवेंटिव में किसी अमाउंट पीएम का अपने पास कोई तरीका नहीं है पीएम का पीएम होता है उसका पीएम एज पर शेड्यूल होता है लेकिन कभी स्पेयर भी अवेलेबल नहीं होता मतलब कि वही ना एक उसको कोई लूप एंडिंग है पीएम का अपना सिस्टम पीएम पूर पीएम सिस्टम है साथ में बेसिकली सिस्टम है पीएम इज नॉट वर्किंग पीएम सिस्टम है दैट प्रो कि आप उन्होंने जो फर्नेस रिगार्डिंग पॉइंट है कि फर्नेस रिगार्डिंग हम उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कभी भी नहीं कर सकते उतना किया तो हमारा डाउनफॉल होगा तो एक्सीडेंट भी नहीं होगा अगर दैट इज फाइन वो चलेगा आप प्लान ब्रेक डाउन लो दैट इज नॉट रॉन्ग दैट इज राइट अभी मैनेजर से शूटिंग प्लान में हमने जो फोकस किया है ना मेजर भी जो डाउन फॉलर है ना उसके लिए भी एक मेजर सिस्टम और मेजर एक्सरसाइज का ये रिक्वायरमेंट जैसे कभी भी अभी हमारा इग्नर रिलेटेड या फर्नेस रिलेटेड जैसे मोटर फेलियर या इसमें हम फेल होते तो उस रिगार्डिंग जो हमारा अचीवमेंट जो टारगेट गोल से 500 600 तो डायरेक्टली वो 200 कर तो बेसिकली एक पॉइंट से ही हम उसको रिपीटेड कर रहे हैं मेजर भी आप दूसरा पीएम बोलोगे उसमें एडवांस दूसरा फेलियर तो अभी कुछ नहीं है एज पर मी कंसर्न इतना हेड बोल ये कर रहा हूं कि इसमें आरआरएम ही नहीं है तो आप पीएम करके क्या करोगे मुझे लगता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के रिक्वायरमेंट ही है तो प्रिडिक्टिव इज गुड आई वुड नॉट अग्री टू दिस पॉइंट अलार्म आने की वेट नहीं करेंगे आई वुड से इन जनरल बात करें नथिंग टू कंसीडर हम रिपीटेड आ रहा है ना उसको तो हम निगलेक्ट कर रहे हैं उसके काम को सब निकाल रहे हैं ओवरऑल प्रॉब्लम सिस्टम में आ गया है हम लोग को कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रोसेस कर दे पहले प्रोसेस रोड मैप हो सकता है सोचते हैं प्रोसेस ठीक है देखो प्रोसेस और क्या चाहिए मतलब नॉन जैसे कंपनी नॉन स्टॉप मार्केट चाहिए 1 लाख टन तक कैसे पहुंचेंगे हां व्हाट यू थिंक क्या चाहिए क्या मिसिंग है कंपनी में और क्या क्या मिसिंग है 1 लाख टन पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वाज ठीक है प्लानिंग करना पड़ेगा 3 मंथली हाफ क्वार्टरली मंथली प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर प्लानिंग सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सब ग्राउंड तक सबको मालूम होना चाहिए गुड और सेल बढ़ना चाहिए कैसे बढ़ेगा
आदमी की शॉर्टेस्ट सफर कर ही रहे हम लोग। एक एक कस्टमर का लाइन था, वी हैव द हाईएस्ट मैन पावर इन दिस इंडस्ट्री एट दिस लेवल। अपने कस्टमर ने अपने बोल के गया ये बात। ठीक है, और 1 लाख टन पहुंचने के लिए और क्या क्या चाहिए अपने? सबने अपना विजन बनाया है कंपनी के लिए के साथ बढ़ने का। अभी 1 लाख टन को रोका है, और क्या चाहिए? ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए, इंफ्रा में आ गए, और क्या चाहिए? मिल तो गया, उसको भूल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट सिस्टम क्या मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब हुआ कि काम करने का जो लोगों का तरीका है या हाँ। प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कुछ तो फॉलो कर रहे हो, तो काम हो रहा है, तभी तो थोड़ा बहुत हो रहा है, बट उसको और इंक्रीज करेंगे तभी बढ़ेंगे ना। कैसे फॉलो नहीं ले सकते, सब फॉलो कर रहे हैं, क्वालिटी में जितना दिया है उनको उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मेंटेनेंस में जैसा है वो सिस्टम वो फॉलो कर रहे हैं, तभी वो प्रिवेंटिव कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो अपना अपना जो सीट है ना उसके बेसिक में काम कर रहे हैं। अब मेरा ये कहने का मतलब, अगर आप लोग क्वालिटी का सिस्टम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो हमारा फिर मटेरियल फेलियर नहीं आना चाहिए। फेलियर बाय चांस होता है सर, बाय चांस का होता है। अगर कोई जबरदस्ती भेज देगा माल तो हम हमारे ऊपर सिस्टम डीएसए में नहीं आता वहां पे, सिस्टम से आया दो गाड़ी का मेरे को, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं उनसे क्या वो क्यों माल भेज दिया, नहीं नहीं मैं तो चेक भी नहीं किया, ऐसे गाड़ी रिटर्न किया तो सिस्टम तोड़ दिया उसे। सर मुझे मैंने पूछा है, सिस्टम्स का क्या थॉट है? सिस्टम चाहिए क्या? और कुछ ना कुछ तो फॉलो कर रहे हैं ना, तो और क्या डालना है? जो फॉलो कर रहे हैं मैक्सिमम, अगर ऐसा लगता है कि हम उसे अचीव कर सके तो आप वो सिस्टम या प्रोसेस को चेंज करके देखना चाहिए। अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। हां, वर्ड के साथ में जो चल रहा है वर्ड ही चल रहा है। अभी हमारे पास में लैब के इक्विपमेंट जैसे एनालॉग सिस्टम है, जो अमेज़न के बारे में लोग क्या कहते हैं? अमेज़न एक कंपनी नहीं, वो इक्वेशन है, लिक्विडिटी नहीं कर सकते। उसने ऑपरेशंस पे उस बंदे ने पीएचडी कर ली है, मतलब जो अमेज़न का जो ऑपरेशन था ना अनडिफीटेबल है। आप मंगा लो कोई भी गुड्स, कोई भी रिटर्न करना है, कोई भी एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, कर लो, वो ऑपरेशंस में भी एक्सेलेंट है वो कंपनी। उसको कोई कंपनी ई-कॉमर्स कंपनी भी कोई बीट नहीं कर सकती। इट्स एन इक्वेशन, जैसे आप इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकते, अमेज़न को बदल नहीं सकते। दैट इज अबाउट अमेज़न। और वो उन्होंने सिर्फ ऑपरेशनल डिसिप्लिन पे कंपनी बनाई है। कोई भी चीज उसको उठा लो, कुछ भी कर लो, मस्ती कर लो, कैंसिल कर लो, कुछ भी करना कर लो, इट विल वर्क, अनडिफीटेबल है। तो मेरे को लगता है जो बिजनेस एक साइड है, बट ऑपरेशंस अगर ये लेवल पे हो ना, तो ग्रोथ कैन गो 5 टाइम्स 10 टाइम्स, अनडिफीटेबल है। ठीक है,
हमारा अगर बिजनेस देखें तो दो तीन तरीके दो तीन चीजें हैं। एक है स्टेज ऑफ वायर ड्रॉइंग जो हम लोग बेसिक ऑपरेशन है आज के डेट में। वायर ड्रॉइंग में ऐसा क्या है जो 20 साल से चेंज हो रहा है? कुछ भी नहीं है, सेम ड्रॉइंग मशीन्स, थोड़ा बहुत हेरा फेरी हो गई है और रॉ मटेरियल भी वही है, तेल की क्वालिटी ऊपर नीचे होती रहती है एंड मशीन के ऊपर। ऐसा क्या है जो मतलब वी विल स्टिल गेट रिजेक्शन या प्रोडक्शन कम आएगी, ऐसा क्या है? वायरेशन रेट फ्लक्चुएट, आज प्रोडक्शन कम आया और कल ज्यादा आ गया, या आज क्वालिटी पुअर बनी या कल क्वालिटी पुअर बनी। When everything else is same, why should it change on a daily basis? Systems. आपका input क्या है? आदमी और systems दो input हैं उनके पास आज के डेट में, ठीक? वो दोनों में अगर deviation है, output भी deviation, बाकी कुछ भी नहीं। Wire drawing तो absolutely it is a no-brainer basic activity है, एकदम low hanging activity है, कोई मतलब there is no reason why I see कि why this should not be like zero defect, हमें सब style पूरी बनना चाहिए भाई। आप समझ रहे हो मतलब इसमें ये तो ऐसी चीज़ है जिसमें 99.99% accuracy होनी चाहिए। क्या what can why should it deviate? आदमी बदलने वाला वो भी सब हो जाता मतलब training में 5 आदमी डल सकते हैं, wire rod भी given है, raw material is available, lubricant is available, machine is available, क्या चेंज होना चाहिए? होना ही नहीं चाहिए कुछ चेंज। तो हमारा इनपुट क्या बचा? सिस्टम ही है सर। व्हाट वी आर अप्लाइंग ऑन द मशीन आर सिस्टम, हाउ वी प्रोवाइड द रॉ मटेरियल, हाउ वी ड्रॉ इट, हाउ वी चेक इट एंड एवरीथिंग। तो मतलब मेरा मानना ये अनिलिंग में भी सेम है, अनिलिंग में तो क्या पानी है दूसरी लेयर तो बेस्ट है, ठीक है? पूरे इंडिया में हमारे जैसी फर्नेस किसी के पास नहीं है, ठीक है? अगर हम लोग एक्स बना रहे हैं, बाकी लोग एक्स माइनस 10% ही बना रहे हैं, हमें वो एटलीस्ट काबिलियत है, बट आउटपुट इज वेरिंग, ठीक है? आउटपुट इज वेरिंग तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं फर्नेस के साथ जिसके वजह से हमारा आउटपुट इज वेरिंग, क्या कर रहे हैं प्रोफेसर फर्नेस के? हम कोई पैरामीटर मेंटेन नहीं कर रहे हैं रॉ मटेरियल में, या हम कोई पैरामीटर फर्नेस का मैनेज नहीं कर रहे हैं, मेंटेन नहीं कर रहे हैं, चेक नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाई द सिस्टम इज चेंजिंग। तो बॉटम लाइन इज वी नीड सिस्टम्स, ठीक है? सिस्टम्स ऐसे ही अनडिफीटेबल होनी चाहिए, मतलब कल को कोई भी आदमी आ जाए, एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी भी वो प्रोफाइल में काम कर सकता है कि मैंने उसको सब बता दिया हो, दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। आज डीमार्ट में वो इंग्लिश स्पीकिंग आदमी नहीं रखता है, जो उसका कैशियर है वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, क्यों? उसकी जरूरत नहीं है, सस्ता है वो आदमी, वो इंग्लिश स्पीकिंग आदमी रखने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने बेसिक आदमी को ही ट्रेन कर दिया सारी चीजों में, दे डोंट नीड इंटेलिजेंट पीपल, समझ रहे हो? तो दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। हमें फिर मतलब ऐसी कंपनीज में जनरली क्या होता है, फिर 2-3 पीपल आर देयर जो लोग पूरा इंटेलिजेंस है, बाकी एवरीबॉडी हैज दिस एग्जीक्यूटिव, एंड सेम इज विद Amazon आल्सो, कि वो टॉप पे जो लोग हैं वो लोग हाई लेवल चीजें करते हैं, बाकी एवरीबॉडी इज ऑन द एग्जीक्यूशन फ्रंट एंड चेकिंग फ्रंट, एंड दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम्स। इतना पावरफुल बन जाता है कि कल को कोई भी आदमी नया आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सो नेक्स्ट, मेरा मानना ये है कि मतलब एवरीथिंग एल्स इज द सेम, द ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर राइट नाउ बिटवीन अस एंड समबडी एल्स और बिटवीन अस एंड आवर गोल्स इज सिस्टम्स। सिस्टम्स क्या है मेरे हिसाब से? इज आर सम ऑफ माय वेज ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज, मतलब एकदम ऑर्गेनाइज तरीके में काम हो, वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, न्यू वे ऑफ वर्किंग, रिस्पेक्ट फॉर व्हाट वर्क्स एंड पीपल, एंड प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज सिस्टम अकॉर्डिंग टू मी। एंड और भी बहुत सारी चीजें जो सिस्टम का पार्ट है, मेजरमेंट, कोई भी चीज है मेजरमेंट या रिकॉर्ड नहीं हो रही है, राइटिंग में नहीं है, किसी को पढ़ी नहीं है आज की डेट में, ठीक है? ऐसी हजार बातें कंपनी में होती हैं, होती जाएंगी। तो सिस्टम्स का मतलब सेंटर पॉइंट फॉर मी फॉर सिस्टम्स इज डेटा, ठीक है? इफ यू हैव दैट डेटा इज बीइंग चेक एंड बीइंग रिकॉर्डेड, दैट इज बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम। और अगर वो मेजर हो रहा है और मॉनिटर हो रहा है, दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ सिस्टम, ठीक है? मेजर भी नहीं हो रहा है, मॉनिटर भी नहीं हो रहा है, भगवान ही जाने क्या हो रहा है।
But everybody sure systems चल रहे हैं उनको मतलब मैं मेरी personal want नहीं होनी चाहिए if everybody feels we should put systems that people put डालना चाहिए कहीं खेल नहीं होगा हाँ डाले नहीं तो कहीं खेल नहीं होगा but ऐसा भी है ना मतलब ये level से ये level पे भी कुछ तो काम कर रहा है उसी को maintain कर रहा है उतना भी बहुत है next खुद में से discipline आ जाता है system के वजह से but काम करवाना tough है शुरू-शुरू में failure sign में हाँ उसमें tackle करते जाएंगे तो खुद भी discipline होंगे okay for personal life and organization sure सब लोग श्योर हैं तो ये अपन आगे बढ़ेंगे वरना आपको छोड़ डालेंगे अपन ये सिस्टम चाहिए सिस्टम सच में तो यू नो टॉप मैनेजमेंट विल वर्क ऑन इट बट वी कैन नॉट वर्क अलोन ठीक है एंड we have to work jointly on it. Right now, मैं हम लोग का सिचुएशन बता दूं क्या है, ठीक है? Most of top management bandwidth is spent dealing in operations, ठीक है? हम लोग operations से बाहर आके मैं चाहता हूं कि हम system development में लगे, then only it can change, ठीक है? And अगर हम लोग regular operations में लगे रहे, तो future बनाने वाला कोई नहीं है. So, you know, these are two, three things that we need to understand. छोटे-छोटे और बातें जैसे मान लीजिए we have to do together. ठीक है, so if we are removing time, top management is removing time for making systems, we need you to do together. ऐसा नहीं हम बना के आपको देने के ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है, we will be working with independent departments, individual departments, और उनके साथ कुछ कुछ plan होगा, कुछ layout होगा, कुछ Google Sheets implement करेंगे हम लोग. अगर 5-6 मंथ्स में सब होगा आप देखेंगे काफी सारे चेंजेस होंगे छोटे छोटे 5-6 मंथ्स में ठीक है एंड आई नीड परमिशन फॉर 2-3 थिंग्स वन इज वी विल बी अवे फ्रॉम ऑफिस ओके डू आई हैव योर परमिशन ऑन दैट इसका मतलब समझे कि नहीं आपको हम लोग ऑफिस में काफी टाइम नहीं रहेंगे हम लोग फैक्ट्री में काफी टाइम नहीं रहेंगे बिकॉज वी विल बी गोइंग आउट वी विल बी मीटिंग विद समबडी वी विल बी अटेंडिंग सम कोर्स एंड डूइंग थिंग्स लाइक दैट Do I have your permission on this? Yes. Yes. Problem क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ. People are so used to being us around every time. कि कोई भी छोटी-बड़ी problem होती है, we discuss with us. और हम लोग भी जब भी रहता है. So you know the only time we are away from office, I think we will be able to give time to making systems. कोई दर दूसरा धंधा नहीं करा कर रहे हम लोग. कि इतने दिन में सारी energy कोई नया रेस्टोरेंट या हम लोग ऐसा कुछ नहीं खोल रहे ठीक है सिर्फ वे अवे फ्रॉम द ऑफिस लोड ट्रिक की सर हॉलीडे पे गए हैं कुछ है या कोई नया रेस्टोरेंट खरीद लिया सर वहां पर बैठे हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है यही है दिस इज द ओनली बिजनेस दैट वी हैव एंड व्हाट एवर टाइम अवे दैट वी वांट टू पुट इन इज फॉर मेकिंग सिस्टम्स एंड वी आर अंडरगोइंग सम ट्रेनिंग आल्सो फॉर दैट सो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट दैट यू नो Secondly, you know, we will be using coordinators for follow-up. Okay. मैं सर की ही सुनूंगा या सर मेरे को बोलेंगे मैं वही करूंगा थोड़ा सा आपको चेंज होना पड़ेगा इस चीज में ठीक है कोई और आपसे आके फॉलोअप करेगा कोई और आपसे आके रिक्वेस्ट करेगा जस्ट थिंक ऑफ दैट पर्सन इज माय वॉइस और नेट वॉइस और अदर वॉइस बट वी हैव टू गेट यूज्ड टू इट हर टाइम सर ने आके बोलेंगे तो मतलब थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा and we will insist on using helps एक helps करके concept है which we will roll out तो I just want to make sure that everybody knows about it and basically if the whole concept is we are going to put time in system development we will take that time from operations day to day operations छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी बात we will be taking away time from that और तो कहीं मेरे पास time आएगा नहीं right उसमें से दो तीन घंटे की मैं करूंगा तो फिर देन यू विल बी एबल टू पुट टाइम एवरेटर एनर्जी एंड टाइम देयर सो दिस इज माय रिक्वेस्ट डू आई हैव योर परमिशन ऑन दैट यस 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 ठीक थैंक यू थैंक यू वन लास्ट एक्टिविटी बस इसके बाद वी विल ब्रेक फॉर लाइक 5 मिनट्स लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्क दैट यू आर डूइंग लिस्ट
and this will be handed over back to Raj. We will we are making some Google sheets, so हम लोग इसमें इसको introduce करना चाहेंगे कुछ. And कुछ कम ज़्यादा भी हुआ तो it's fine. But I just wanted to make a list of all the activities that each person is doing in that. This is the last activity. And after lunch we have department wise presentations. Okay.